हेलो दोस्तों, तरंगो इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल को पर आज का ये वीडियो। दोस्तों ये पार्टी का घर पर ही मैं रिपेयर कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए ये जो प्रॉब्लम होता है रेड रिक्ट्रेस लाइन, ठीक है दोस्तों। इस प्रॉब्लम का ऊपर ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये कौन सेक्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो पहले देख लीजिए इसका मॉडल नंबर क्या है। दोस्तों ये वीडियो कौन का टीवी है, और दोस्तों ये जो मॉडल नंबर टीआर करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये मॉडल नंबर होता है, और दोस्तों इस मॉडल में जो पीसीबी होता है ये सैमसंग, वीडियोकॉन और आकाई जो टीवी होता है इस पर यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं बैक कवर ओपन कर दिया। दोस्तों देखिए इसका जो पीसीबी होता है इस टाइप का पीसीबी है, और दोस्तों एक इंच बड़ा अल्ट्रा स्लिम टीवी है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो आईसी यूज़ किया जाता है दोस्तों मैं क्लियर करके देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये मैं मोबाइल से मैं रिकॉर्ड किया, और इस घर पर लाइट भी बहुत कम है तो मोबाइल का लाइट से ही मैं रिकॉर्ड किया। और दोस्तों इसका जो रेजिस्टेंस होता है देखिए ये काट जाने के लिए दोस्तों प्रॉब्लम दिखा जाता है। तो उसका पहले ये जो बेस होता है कोई टूटा फूटा है कि नहीं है पहले ओपन करके एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पीसीबी पर सभी पास ठीक लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तो है ही। तो दोस्तों इस पर जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है वो नौ ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है, और तीनों ट्रांजिस्टर तीन तीन ट्रांजिस्टर एक एक कलर के ऊपर यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए ये जो पीसीबी बोर्ड होता है इसे तीनों कलर सिग्नल बेस बोर्ड पर जाता है। इस पर दोस्तों देखिए तीनों रेजिस्टेंस है जो आईसी के साथ कनेक्ट है, वो भी कोई एक रेजिस्टेंस काट जाने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो उसका पहले जो पीसीबी जो बेस बोर्ड होता है उस पर बहुत लूज कॉन्टैक्ट देखा जाता है, तो पहले लूज कॉन्टैक्ट को आप सोल्डरिंग कर दीजिए इस तरह, ठीक है दोस्तों। सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों एक बार लाइन देख के देख लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है, और दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो अच्छा है, लेकिन सॉल्व नहीं होगा तो दोस्तों जो बेसबोर्ड होता है वो अलग अलग रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर को चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों कलर प्रॉब्लम का ऊपर मेरे चैनल पर बहुत वीडियो है, तो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है उस पर लिंक दे देगा, जिस वीडियो में बहुत वोल्टेज और अलग अलग रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर का ऊपर मैं क्लियर करके वीडियो बना के रखा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये टीवी तो मैं घर पर ही रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए बहुत क्लियर करके देखना प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह आप पहले ये चेक कीजिए, और जो लूज कॉन्टैक्ट पहले वो रंग करके देख लीजिए। तो मैं रंग कर दिया, उस पर मैं टीवी को लाइन देके देख लेता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। तो दोस्तों देखिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो इसका बाद क्या देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका बाद जो मेन वोल्टेज होता है 180 वोल्ट वह भी बेस पर आता है कि नहीं आता है एक बार देखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए इस पर वोल्टेज 180 वोल्ट है, और दोस्तों जो तीनों रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस के बाद जो वोल्टेज मिलता है वो भी एक एक करके चेक करके दिखा देते हैं। दोस्तों देखिए इस पर वोल्टेज है, एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद और एक भी रेजिस्टेंस है। दोस्तों ये तीनों कलर का ऊपर सप्लाई देता है, दोस्तों देखिए इस पर वोल्टेज बहुत कम है, और एक भी रेजिस्टेंस है का पास जो वोल्टेज होता है दोस्तों देखिए ये वोल्टेज भी बहुत कम है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि वो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है वो हाई हो सकता है, और जो ट्रांजिस्टर होता है जो अलग अलग कलर के ऊपर ट्रांजिस्टर होता है तो दोस्तों वो ट्रांजिस्टर भी खराब हो सकता है। इसलिए मैं मेन जो तीनों ट्रांजिस्टर होता है पहले वो मैं चेंज करके देख लेगा, उसके बाद नहीं होगा तो दोस्तों अलग अलग जो दो दो ट्रांजिस्टर होता है वो जो कलर प्रॉब्लम का ऊपर होता है वो सेक्शन का ट्रांजिस्टर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा है तो आपका पास सभी ट्रांजिस्टर
है तो वो एक साथ सबको चेंज कर दीजिए तो बहुत भी अच्छा होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा कलर प्रॉब्लम का ऊपर। तो दोस्तों मैं ये पार्ट्स दो रेजिस्टेंस में चेक किया और भी दोस्तों जो अलग अलग ट्रांजिस्टर होते हैं एक एक करके चेंज करने के बाद मैं ये सेट पूरा टाइट करके लाइन देकर देखता हूँ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर आप नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको